प्रियंका चोपड़ा को मिली आमिर खान की बेटी, जीवन के संघर्ष की सच्ची कहानी। कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि प्रियंका चोपड़ा आमिर खान के साथ अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के जीवन पर बनने वाली फिल्म में काम करेंगी। आमिर फिल्म से हट गए तो प्रियंका ने भी कदम पीछे खींच लिए, लेकिन आमिर और प्रियंका का कनेक्शन एक सहयोग से बन गया है, क्योंकि वापसी के बाद प्रियंका की दूसरी फिल्म में आमिर खान की फिल्मी बेटी ज़ायरा वसीम को अहम रोल मिला है। पिछले दिनों खबर आई थी कि प्रियंका चोपड़ा अब अपने ब्लॉकबस्टर और दोस्ताना को स्टार अभिषेक बच्चन के साथ काम करने जा रही हैं। ये फिल्म मार्गरीटा विथ डॉलर स्ट्रा की निर्देशक शोलानी बोस डायरेक्ट करेंगी। फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित होगी। प्रियंका और अभिषेक एक ऐसी बच्ची के माँ बाप की भूमिका में होंगे जो इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी से ग्रसित है। इसी से जुड़ी अगली खबर ये है कि प्रियंका और अभिषेक इस फिल्म में जिस बेटी के माता पिता होंगे वो रोल ज़ायरा वसीम को दिया गया है। वही ज़ायरा जो दंगल में आमिर खान की बेटी गीता फोगाट के बचपन के रोल में थी और बाद में आमिर खान के प्रोडक्शन की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार की हीरोइन। जानकारी के मुताबिक ज़ायरा ने पिछले दिनों स्क्रिप्ट सुनी और उन्हें बेहद पसंद आई। हालांकि इस खबर पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। इस फिल्म को रॉनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है और जैसे ही प्रियंका और अभिषेक अपने अपने कमिटमेंट को खत्म कर लेंगे वो इस फिल्म को शुरू कर सकेंगे। फिल्म में बच्ची की भूमिका के लिए अभी कास्टिंग की जानी है। वैसे इस बारे में अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। ट्विटर पर इस जानकारी को रॉनी स्क्रूवाला ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया है, जिसे देखकर ये माना जा सकता है कि प्रियंका और अभिषेक ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी है। बता दें कि प्रियंका की वापसी वाली फिल्म भारत को अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं और अतुल अग्निहोत्री प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म भारत एक मैच्योर लव स्टोरी है और कहा जा रहा है कि प्रियंका का रोल इस फिल्म में बेहद अहम होगा। सुल्तान और टाइगर जिंदा है के डायरेक्टर अली अब्बास जफर अगले साल ईद में फिल्म भारत लेकर आने वाले हैं। फिल्म में प्रियंका अकेली हीरोइन नहीं होंगी। फिल्म के लिए दिशा पट्टानी को भी साइन किया गया है। प्रियंका और सलमान ने अब तक मुझसे शादी करोगे, सलामे इश्क और गॉड तुसी ग्रेट हो में साथ काम किया है। अली के साथ उनकी गुंडे भी हिट रही है। भारत अब उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से भी बेहतर फिल्म होगी। भारत कोरियन फिल्म ओड टू माई फादर का भारतीय संस्करण है। प्रियंका के टीवी शो का तीसरा सीजन खत्म हो रहा है और उनकी दूसरी हॉलीवुड फिल्म डॉलर किड लाइक जैकेक जून से रिलीज हो रही है। इस फिल्म में प्रियंका ने सिंगल मदर का कैमियो किया है। उनकी तीसरी हॉलीवुड फिल्म इजंट इट रोमांटिक अगले साल वेलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज होगी।